Bismillahirrahmanirrahim. MPA Mohammad Aslam Mabrook, PSBN Jacobat, PTI se mai vaha se MPA buna, or PTI mai mai hu. Magar kuch bate aisi hui hai jisse mujhe hak pahunchta hai ki main wo baat karun, kyunki jo do tikne inhone di hai wo mujhe us pe bada afsos hua hai ki unhone senior sathiyon ko chhod diye. Jo hamare bahut se seniors hain jinhone bahut bade vote uthaye unko votes nahi diye. Dusri baat ye hai ki main ye zarur kahunga ki Sindh pe jo hai inki tawajjuh nahi hai. Halanki dusri jagahon pe badi badi subon mein scheme de rahe hain magar Sindh pe nahi hai. Hame badi umeed thi aur humne apne awam se वादे और इकरार किए थे कि हमारे जकाबात के खास उदुल मिसाइल हैं या हमारे सिंध के जो मिसाइल हैं हम वो जो है मिसाइल हल कर पाएंगे. मगर हमारे फेडरल मिनिस्टरों को कोई इंटरेस्ट नहीं है. खान साहब के सामने भी बड़ा मन चला गया. खान साहब ने भी वादे किए थे मगर वो भी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए. अभी ढाई साल में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी बच गए. अभी तीन साल होने वाले हैं. एक साल बचेगा. एक साल फिर इलेक्शन में होगा. तो मैंने जो भी बातें की है पार्टी मफाद में की है तो मेरा जमीर ये कहता है और मुझे हक है कि मैं अपना जमीर का फैसला करूं और मैं वोट इस पे क्योंकि आईन इजाजत मुझे देता है कि मैं अपना वोट जो है अपने जमीर के मुताबिक मैं इस्तेमाल करूं तो मैं ये वोट जो है इनको मैं नहीं दूंगा. बाकी रही जहां मुझे जमीर मुझे कहेगा मैं वहां वोट दूंगा. बाकी रही बात यह है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं अपने शहर के लिए ढाई साल तीन साल में कुछ नहीं कर पाया और मेरे शहर में बहुत बड़े मिसाइल हैं और अगर मेरे 23 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके भी मिसाइल हैं. अगर ये सिंध पे तवज्जा दे दे तो मेरे ख्याल में पीटीआई को फायदा था. और खुरम शेर जमान जो कहते हैं